वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोट्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में जानेंगे, जिन्हें मिडोज भी कहते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? व्हाट आर अल्पाइन ग्रासलैंड कॉल्ड? बुग्याल, पयार, मिडो और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल, पयार और मिडो बोला जाता है, तो इनको अल्पाइन पास्चर भी बोला जाता है, राइट? और यह उत्तराखंड के कुछ प्रमुख बुग्यालों की लिस्ट, इसमें फूलों की घाटी, बेदनी, चौपता बुग्याल, हेल्सी, मोड बुग्याल, गौरसो, हरकीदून, दायरा बुग्याल, खलिया, नाग तिब्बा और ऐसे ही और सारे भी। बुग्यालों से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि उत्तराखंड में बुग्याल कहाँ पर मिलते हैं और ये क्यों मिलते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ है, हाई एल्टीट्यूड जोन्स ऑफ हिमालयाज, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाने पर हिमालय को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, और यहाँ पर से होता है स्टार्ट, यह है 0 मीटर की हाइट और इसे हम बोलते हैं सी लेवल, और सी लेवल से हिमालय की पहाड़ियों की तरफ जाने पर एलिवेशन चेंज होता है। हिमालय में हाइट की तरफ जाने पर हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेट से टेम्परेचर चेंज होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 मीटर से 1000 मीटर की हाइट पर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस करेगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस करेगा। उसके बाद 1000 से 2000 की हाइट पर जाने पर अगेन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। वैसे ही 2000 से 3000 की हाइट पर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस करेगा। तो ऐसे ही इस हाइट पर जाने पर टेम्परेचर लगातार रिड्यूस करता है। 0 से 1000 मीटर की हाइट पर जाने पर सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, 1000 से 2000 की हाइट पर एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, और 2000 से 3000 की हाइट पर डेसीडियस ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट मिलते हैं, 3000 से 4000 पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, वैसे 4000 से 5000 पर सब अल्पाइन मिडोज मिलते हैं, 5000 से 6000 पर अल्पाइन मिडोज मिलते हैं, और 6000 से 7000 की हाइट पर इटरनल स्नो और ग्लेशियर्स मिलते हैं। ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थ में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। अर्थ में टेम्परेचर दो तरीके से चेंज होता है, तो यह है अर्थ सरफेस। फर्स्ट, टेम्परेचर तब चेंज होता है जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, और सेकेंड, जब हम इक्वेटर लाइन से टुवर्ड्स पोल की तरफ मूव करते हैं, तो यह है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड और नॉर्थ पोल 90 डिग्री लैटिट्यूड, और वैसे ही साउथ पोल भी 90 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। तो जब 0 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो वेजिटेशन चेंज होता है। तो यहाँ पर यह है एक ट्रायंगल, ये ग्राफ दिखाता है कि लैटिट्यूड इंक्रीज होने के साथ यहाँ पर वेजिटेशन कैसे चेंज होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ वेजिटेशन चेंज होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वैसे ही उसके बाद टेम्परेट, फिर सब आर्कटिक और उसके बाद आर्कटिक। और आर्कटिक के एग्जांपल हैं जैसे कि अलास्का और साइबेरिया। साइबेरिया अलास्का में जो वेजिटेशन मिलता है वो टुंड्रा टाइप का होता है, वैसे ही कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं कनाडा में जो वेजिटेशन मिलता है, या फिर रशिया में, ओके, रशिया के कुछ इलाकों में जो वेजिटेशन मिलता है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट टाइप का होता है। और जो इक्वेटर के पास जो एरिया होते हैं वहाँ पर को रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और डेजर्ट मिलते हैं। वैसे ही ये जो ग्राफ है इधर, ये इंक्रीजिंग एरिडिटी, एरिडिटी का मतलब होता है ड्राइनेस, जिसे हम शुष्कता भी बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट वो इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और डेजर्ट उस एरिया में बन जाते हैं जहाँ पर बारिश या मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। यह था एलिवेशन के साथ वेजिटेशन कैसे चेंज होता है। साल के 6 से 8 महीने इन अल्पाइन मिडोज में बर्फ के कारण यहाँ पर कुछ भी नहीं उग पाता। साल के बचे हुए 4 महीनों में ये हरी घास के मैदानों में बदल जाते हैं, जिन्हें अल्पाइन मिडोज कहते हैं। 6000 मीटर की हाइट पे इस लाइन को बोला जाता है स्नो लाइन। 6000 मीटर की हाइट पर इसे स्नो लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे ऊपर साल के 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई किसी भी तरह का वेजिटेशन उग नहीं पाता है, और इसीलिए इसको इटरनल स्नो और ग्लेशियर बोला जाता है। इटरनल का मीनिंग होता है शाश्वत,
इटरनल, हमेशा यहाँ पर को बर्फ जमा रहती है। और वैसे सब अल्पाइन मीडोज और सब अल्पाइन मीडोज और जहाँ पर ये कॉनिफोरस 4000 मीटर की हाइट पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट इससे ऊपर नहीं मिलते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है टिम्बर लाइन, राइट। यह है उत्तराखंड का मैप और इस मैप में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हम रेड कलर की लाइन देख सकते हैं, इस लाइन को बोला जाता है स्नो लाइन और इस स्नो लाइन से नीचे ही हमें बुग्याल मिलते हैं, जैसे ये दयारा बुग्याल टॉप, यह दयारा बुग्याल और पनवाली कांठा बुग्याल, पनार बुग्याल, अली बुग्याल, पखवा बुग्याल, ये सभी बुग्याल स्नो लाइन के नीचे मिलते हैं। वैसे ही अगर हम स्नो लाइन से कुछ और नीचे आ जाएं तो हमें सब अल्पाइन मीडोज मिलते हैं, उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर येलो लाइन दिखाती है टिम्बर लाइन, और इस टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के बीच में ही हमें सब अल्पाइन और अल्पाइन मीडोज मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट बुग्याल ऑफ उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, दयारा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, गौरसा बुग्याल, हरकी दून बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेदनी बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध बुग्याल फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द फेमस बुग्याल वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ उत्तराखंड, फ्रैंक स्मिथ, गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, टॉम एल्टर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक स्मिथ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध बुग्याल फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी, सो 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी खोजी थी और उनकी एक फेमस बुक द वैली ऑफ फ्लावर्स पे ही इसका नाम फूलों की घाटी रखा गया। फ्रैंक स्मिथ एक ब्रिटिश माउंटेनियर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूलों की घाटी में लगभग कितने किस्म के फूल मिलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, 1500, 800, 500 एंड 400। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500। फूलों की घाटी में लगभग 500 किस्म के फूल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है, विच इज द फेमस बुग्याल फॉर स्कीइंग इन उत्तराखंड, दयारा बुग्याल, हेल्सी बुग्याल, ओली बुग्याल और चौपता बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओली बुग्याल, जो कि चमोली में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल भी माना जाता है, विच बुग्याल इज कंसिडर्ड एज द कोर्ट ऑफ वेदास, नाग तिब्बा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, पुस्तारा बुग्याल और मध्यमहेश्वर बुग्याल। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेदनी बुग्याल। और ये पूछा सकता है कि वैतरणी या फिर बेदनी कुंड किस बुग्याल पर स्थित है, बेदनी कुंड या वैतरणी बेदनी बुग्याल में स्थित है और यह है वैतरणी कुंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बुग्याल के पास से इंद्रावती नदी निकलती, फ्रॉम विच बुग्याल रिवर इंद्रावती राइजेस, हरुणता बुग्याल, फूलों की घाटी, बागजी बुग्याल, पुस्तारा बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरुणता बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 8 है, चरथी बुग्याल किस जनपद में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चरथी बुग्याल लोकेटेड, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में चरथी बुग्याल के अलावा और भी बुग्याल हैं, जैसे पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जौहार बुग्याल, रहाली बुग्याल, थाल बुग्याल, छिपला केदार बुग्याल और खलिया बुग्याल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गुलाबी कांठा बुग्याल लोकेटेड, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुग्याल के अलावा ये भी बुग्याल वहाँ पर फेमस बुग्याल सिचुएटेड हैं, जैसे दयारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, सोनागाण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, बरनाला बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, चैसिल बुग्याल, ताल बुग्याल और देवदामिनी बुग्याल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, कासनी खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कासनी खर्क बुग्याल लोकेटेड, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कासनी खर्क बुग्याल के अलावा और भी बुग्याल हैं, जैसे मधमहेश्वर बुग्याल, चौपता बुग्याल और बर्मी बुग्याल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, खतलिंग बुग्याल किस जनपद में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज खतलिंग बुग्याल लोकेटेड, ए टिहरी, बी बागेश्वर, सी रुद्रप्रयाग, डी पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, टिहरी। टिहरी में खतलिंग बुग्याल के अलावा दो बुग्याल और भी हैं, मासरताल बुग्याल और जोराई बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 12 है, बागची बुग्याल किस जनपद में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बागची बुग्याल लोकेटेड, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बुग्याल हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल
यहाँ पर रेड इंक से मार्क किए हुए हैं, जैसे बेदनी बुग्याल, फूलों की घाटी, ओली, रुद्रनाथ, सतोपन दूधातोली, अली बुग्याल, गुरसो बुग्याल, कैला बुग्याल, कुआरी बुग्याल, चित्रकांठा, मननी, कल्पनाथ और पांडुसरा बुग्याल। यहाँ पर और भी बुग्याल इंपॉर्टेंट हैं, बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुग्याल हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में वो यही हैं जो रेड इंक से मार्क किए हुए हैं। वर्नी झोपड़ी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वर्नीड हट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? गुरसो बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल और दयारा बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेदनी बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूलों की घाटी में खतरा बना पौधा वीट तेजी से फैल रहा है। थ्रेटेंड वीट प्लांट इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। फुट ग्रास, स्पाइन एमरेंथस, ट्रॉपिकल प्राइडर वॉट और नट ग्रास। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नट ग्रास। तो नट ग्रास एक टाइप का खरपतवार है जिसे वीट भी कहते हैं, और यह है इसका फोटोग्राफ जो फूलों की घाटी में बहुत तेजी से फैल रहा है, राइट। और इसे लोकल लैंग्वेज में अमेला बोला जाता है। नट ग्रास का एक नाम और भी है, पॉली गॉनम, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्यालों का समूह है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मीडोस? रुद्रनाथ, रूपकुंड गुरसो, कुआरी गुरसो ओली, हरकिदून दयारा बेदनी, दयारा अली, चित्रकांठा। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुआरी गुरसो और ओली। कुआरी गुरसो और ओली एक दूसरे के एडजेसेंट बुग्याल, ये लगभग ये एक ही स्थान पर आसपास सिचुएटेड हैं, तो इसलिए उन्हें बुग्यालों का समूह बोला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक क्लिक कीप स्टडिंग।